नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 9 मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो दैनिक पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है, सूर्योदय प्रातः 6:08 का है और जो सूर्यास्त है वह शाम 7:03 का है। ऋतु ग्रीष्म का चल रहा है, तिथि कृष्ण पक्ष की 13वीं है और नक्षत्र रेवती है, योग प्रीति है, करण ग्रह है। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा और शाम 5:29 के बाद यह चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आज के दिन की जो अमृत घटी है वह है रात 10:08 से लेकर 11:44 तक। अभिजीत मुहूर्त जो कि दिन का शुभ मुहूर्त कहा जाता है वह है दोपहर 12:11 से लेकर 12:59 तक। अमृत घटी और अभिजीत मुहूर्त शुभ कालावधि कहे जाते हैं। उसी प्रकार राहु काल शाम 5:20 से लेकर 6:56 का होगा। विष घटी दोपहर 2:08 से लेकर 3:44 तक की होगी। राहु काल और विष घटी दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। उसी प्रकार आज के दिन का जो शुभ अंक है वह 1 है और आज के दिन के ग्रह योगों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो चंद्र और गुरु का लाभ योग होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद यह चंद्रमा आपकी के राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो शाम के बाद का जो समय होगा वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दिन के जो भी काम है वो अगर शाम के बाद हाथ में लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी आज आपकी गपशप हो सकती है। तो अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। दिन के जो महत्वपूर्ण काम है वो अगर शाम के बाद आप हाथ में लेते हो तो पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे लेकिन आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी स्थिर देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आपने किसी योजना के बारे में सोचा है तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती है। आज आपका मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर और शाम 5:29 के बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। शाम के बाद का जो समय है उसमें जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो अगर आप हाथ में लेते हो तो वह आज के दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि का अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 5:29 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो अगर आप शाम के बाद हाथ में लेते हो तो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उस प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो दोपहर तक का समय है या फिर शाम तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, शुभ फलदायी भी होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है वह भी आपके लिए वैसे ठीक ठाक ही देखा जाएगा। थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है
वो है तुला राशि। तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आज आप हाथ में नहीं लेगा। हालांकि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर किसी परिस्थिति की वजह से आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। शाम के बाद का जो समय है वो अगर आपका विवाह हुआ है तो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो शाम के पहले अगर निपटा लेते हो तो वो पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी आज का जो दिन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। शाम के बाद के जो समय है उसमें आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ आप घूमना फिरना पसंद करोगे या फिर उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और दोपहर और आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है थोड़ा सा आप आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। आप शाम के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो शाम के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा और शुभप्रदायी होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो संपूर्ण दिन करीबन शाम तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका ट्रैवलिंग वगैरह भी हो सकती है। दोपहर के बाद का या फिर शाम के बाद का जो समय है आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 5:29 के बाद चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आपके शाम के बाद पूरे होते हुए नजर आएंगे। आज शाम के बाद का जो समय है उस तक आप घर पर रहना पसंद करेंगे या फिर घर के लोगों के लिए कुछ खर्चे वगैरह आप कर सकते हो। आज आपका मूड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। शाम के बाद आप थोड़ा ट्रैवलिंग करना वगैरह चाहोगे और वो ट्रैवलिंग आपकी होगी भी। आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर और शाम 5:29 के बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप अगर आप हाथ में लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आज आपका कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आज का जो दिन है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 9 मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।